आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 300वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज एक बार फिर सिवनी के रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और सिवनी का रेलवे स्टेशन पर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर काम चलता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये लोग सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं और तैयारियाँ कुछ मुकम्मल सी दिख रही हैं कि यहाँ रेल चल सकती है। ये देखिए, बैठने के लिए चेयर्स आ गई हैं। ये चेयर्स रख कर इन पर बैठने की तैयारियाँ हैं। पेवर ब्लॉक अभी यहाँ नहीं लगे हुए हैं। ये पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि पेवर ब्लॉक कुछ जगहों से निकल गए थे। यहाँ पेवर ब्लॉक जो लगे हुए थे वो पेवर ब्लॉक यहाँ पर सेटलमेंट पानी के कारण ये नीचे बैठे वो निकाल के रख दिए गए हैं। ये मजदूर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये रेत बिछाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे डस्ट को बिछा रहे हैं। डस्ट बिछाने के बाद यहाँ पर इसको फिर से लगाया जाएगा। जीआरपी नहीं है, आरपीएफ नहीं है, नलों की टोंटियाँ सारी आपको गायब दिख रही होंगी। आखिर कहाँ से इसका पानी निकलेगा? जो यहाँ से पानी अंदर जाएगा वो निकलेगा कहाँ से, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लोहे के कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। जो लोहे के स्ट्रक्चर्स यहाँ पड़े हुए हैं वो स्ट्रक्चर्स यहाँ संभवतः शेड बनाने की यहाँ तैयारी दिख रही है इनकी। और यहाँ पेवर ब्लॉक लगे हुए थे, ये पेवर ब्लॉक सारे यहाँ से निकाल दिए गए हैं। इन पेवर ब्लॉक्स को निकाला गया है यहाँ से। रेलवे का फुट ओवर ब्रिज हम आपको भी दिखाएंगे। फुट ओवर ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये पानी अपनी जगह खुद बनाता नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर कम से कम 8 इंच से ज़्यादा नीचे धंस गई है जगह। कंपेक्शन नहीं हुआ है। रेलवे के अधिकारी, तकनीकी अधिकारी किस तरह से यहाँ पर सुपरविजन कर रहे हैं ये समझ से परे है। यहाँ आप देख सकते हैं ये गड्ढा यहाँ आपको दिख रहा होगा। फुट ओवर ब्रिज के लिए एक पोल खड़ा हुआ है और पोल से लगभग एक फीट के लगभग मुरम बैठ चुकी है, सेटलमेंट हो चुका है। ये सेटलमेंट बारिश के कारण ही हुआ है। अगर इसका कॉम्पेक्शन किया जाता जो तकनीकी अधिकारियों को देखना चाहिए था। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी लगभग 8 इंच से 1.5 फीट के लगभग यहाँ पर सेटलमेंट हुआ है। यहाँ पीछे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी सेटलमेंट हुआ है। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या सिवनी में जो भी रेलवे के तकनीकी अधिकारी हैं वो क्या सिवनी में कुछ प्रशिक्षण ले रहे हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए? पर उन अधिकारियों के द्वारा जब मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम कराए गए तब इस तरीके की स्थिति वहाँ पर निर्मित बिल्कुल नहीं हुई है। अब हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये देखिए फुट ओवर ब्रिज के बारे में हम दिखाते हैं। 4 महीने से फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर टूट के मानंद खड़ा हुआ। ये यहाँ से ऊपर जाने आने का रास्ता इस प्लेटफॉर्म के लिए, बीच के प्लेटफॉर्म के लिए ऊपर जाने आने का रास्ता वो पिछली बार हमने दिखाया था। वो जो एक प्लेटफॉर्म वहाँ है उसके लिए जो फुट ओवर ब्रिज का एक चढ़ने उतरने के लिए जो बनाया था उसको निकाल दिया गया है। ये जो आपको वो दिख रहा है वो निकाल दिया गया है। इससे बड़ा मजाक सिवनी वालों के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज तो कंप्लीट किया नहीं गया और उसको जो वहाँ जैसे स्ट्रक्चर आपको ये वाला दिख रहा है ऐसा ही स्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा किया गया था। उस स्ट्रक्चर को वहाँ खड़ा किया गया था इस तरीके का, जिसे निकाल दिया गया है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया था लगभग 1 से 1.5 महीने पहले हल्की फुल्की बारिश के बाद यहाँ सेटलमेंट हुआ था और अभी तक यहाँ किसी तरह का इनके द्वारा किसी तरह की कोई न भराव कराया गया ना कुछ कराया गया। ये देखिए, यहाँ पर ये पेवर ब्लॉक जो हैं, टाइल्स रखे हुए हैं यहाँ से जो निकले हुए थे। ये स्टेशन का भवन, स्टेशन के भवन में भी यहाँ आपको ये हम आपको दिखाते हैं गुणवत्ता किस तरह की है रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं छत के पानी का सीपेज यहाँ तक आ रहा है। ये देखिए, सीपेज पूरा यहाँ तक आ रहा है।
यहाँ भी सीपेज दिख रहा है, वहाँ किनारे में भी दिख रहा है। किस तरह से यहाँ गुणवत्ता इस रेलवे स्टेशन की, यहाँ ढाल देख सकते हैं, नीचे पानी थोड़ा सा गिरेगा, यहाँ पानी पूरा भरा रहेगा। ये इसका भुगतान जिस किसी भी अधिकारी के द्वारा कराया गया हो, उस अधिकारी से इसके भुगतान की वसूली की जानी चाहिए। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके ये आपको अलग दिख रहा होगा, ये यहाँ नीचे तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे उसमें सीपेज। और अभी रेलवे स्टेशन आरंभ नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं काई लगना चालू हो गई है। ऊपर से जो सीपेज का पानी आ रहा है वो काई ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके का काम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ हम आपको और अभी आगे दिखाते हैं कि यहाँ आखिर क्या स्थितियां हैं, किस तरह से काम यहाँ चल रहा है। और कंपैक्शन तो कहीं नहीं हुआ, इसमें मुरम डालने के बाद इसके ऊपर रोलर चलना चाहिए था। हम अगर यहाँ खड़े होते हैं, हम यहाँ एकदम सीधे खड़े होते हैं, तो देखिए आप, ये आपको झुका हुआ नज़र आ रहा होगा हमारी तरफ। ये वाला जो है ये इस तरफ झुकने लगा है क्योंकि यहाँ पर नीचे मुरम बैठने लगी है। क्या वजह है कि तकनीकी अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे? क्या तकनीकी अधिकारियों की मिली भगत इसे में मानी जाए? इसके बाद हम आपको और आगे लेकर चलते हैं। यहाँ जो सेटलमेंट हम आपको बता रहे हैं कि सेटलमेंट हुआ, ये देखिए यहाँ पर और सेटलमेंट आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लगभग 1.5 फीट नीचे हम खड़े हुए हैं। पानी अपनी जगह खुद बनाता है, इस बात में संदेह नहीं। ये पेवर ब्लॉक निकल के रखे हुए हैं, जो पेवर ब्लॉक यहाँ लगे हुए थे वे बैठने चालू हो गए। और इसके साथ ही आपको यहाँ से अगर हम आप देखेंगे कि नीचे अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ से पानी निकलने का रास्ता अपने आप बना लिया पानी ने। ऐसा गुणवत्ता विहीन काम अगर चल रहा है तो इसे क्या कहा जाए? इस तरीके से अगर गुणवत्ता विहीन काम चल रहा होगा तो उसे क्या कहा जा सकता है? रेलवे के तकनीकी अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये देखिए शराब की यहाँ बोतल पड़ी हुई है और ये पाइप मुरम से दबा हुआ था जो अब बाहर निकल कर आ चुका है। और ये देखिए, ये एक शराब की बोतल अंग्रेजी शराब की अलग दिख रही होगी आपको। यहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी जो बोतलें हैं, देखिए ये बियर का कैन यहाँ आपको दिखाए, ये देखिए यहाँ बियर का कैन पड़ा हुआ है। ये चीज़ें यहाँ लगातार ही हम आपको बता रहे हैं। देखिए दो नालियाँ बन गई हैं, एक नाली ये और एक नाली यहाँ से। ये देखिए ऊपर से, देखिए यहाँ ऊपर से दिखाइए, यहाँ पर नाली बन गई है। ये देखिए इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी यहाँ पर नाली बनी हुई दिख रही होगी। ये पूरी की पूरी मुरम यहाँ से पूरी धसक चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर नीचे से लेकर अगर आप वहाँ देखिए, बीच के बीच में गड्ढा, कितना बड़ा गड्ढा है। आपने फोर लेन सिवनी में, जो फोर लेन बनी है उस फोर लेन को देखा होगा। सिवनी में बनी फोर लेन में दोनों तरफ ऐसे स्लोप जो है वहाँ बकायदा नालियाँ बनाई गई हैं ताकि बरसात का पानी निकल सके। यहाँ ओपन आता है, ये देखिए एक शराब की बोतल, ये दूसरी शराब की बोतल, ये तीसरी शराब की बोतल। तो ये यहाँ पर क्या खुला आता, हम बार बार कहते आए हैं, खुला आते में तब्दील हो चुका है सिवनी का ये रेलवे स्टेशन। ये पानी भरा हुआ है, अभी ये सेटल होगा। अगर हम यहाँ बीच में जाएंगे तो हम खुद इसमें कहीं फंस ना जाएं। इसके अलावा ये देखिए, ये एक नाली आपको दिख रही होगी, ये कितनी बड़ी नाली, यहाँ से आपको ऊपर से देखिए यहाँ कितनी बड़ी नाली जो आपको दिख रही होगी। यहाँ पर ऐसी अनगिनत नालियाँ यहाँ पर बन चुकी हैं जो इस रेलवे स्टेशन की खामियों को उजागर कर रही हैं। ये शराब की बोतल पड़ी हुई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
किस तरह का तकनीकी अधीक्षण टेक्निकल सुपरविजन किया जा रहा है सिवनी में तकनीकी अधिकारियों के द्वारा रेलवे के। हम सदा से कहते आए हैं कि इन रेलवे के तकनीकी अधिकारियों को तत्काल बदलना चाहिए, क्योंकि वे इस तरीके से सिवनी के साथ जो ये कहा जाए कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से के साथ तत्काल काम कर देते हैं। आखिर क्या वजह है? जीआरपी आरपीएफ नहीं होने के कारण यहाँ के नल चोरी हो चुके हैं, ये चुगली करती दिख रही है, देखिए शराब की एक बोतल, ये शराब की दूसरी बोतल, यहाँ तो इतने अनगिनत शराब की बोतलें दिख रही हैं कि कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। हमने आपको दिखाया, ये देखिए एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, जो नालियाँ, अनगिनत नालियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, और ये अंग्रेजी शराब की बोतल। आखिर क्या चल क्या रहा है सिवनी के रेलवे स्टेशन पर? ये एक शराब की बोतल, ये देखिए, ये एक शराब की बोतल रखी हुई है, आपको ये दिख रही है, ऐसी शराब की बोतलें यहाँ पर रखी हैं। जीआरपी नहीं है, आपका संसदीय क्षेत्र है डॉक्टर ढाल सिंह भिसेन साहब, आपको इसी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने मत दिया है, आपको जनादेश देकर भेजा है संसद में, ताकि इस सिवनी के लोगों के हितों का आप संवर्धन कर सके। यहाँ टोंटियाँ गायब है, ये पानी भरा हुआ है रेलवे स्टेशन पर, और जो एक संभावना है, लोग जिस बारे में कह रहे हैं बार बार कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बार बार ये कहते आए 15 जुलाई से सिवनी में डेमो चालू हो सकती है, केवलारी विधायक भारतीय जनता पार्टी के राकेश पाल सिंह के द्वारा पत्र लिखा गया, उसके बाद जो स्थितियां बन रही हैं, लोगों का कहना ये देखिए, यहाँ पर एक वो लगी हुई थी कुर्सी, जैसी कुर्सी आपको वहाँ वो दिख रही है, ऐसी कुर्सी लगी हुई थी, कुर्सी के दोनों सिरे गायब हैं, ये बैठने के लिए जो तीन पटिए लगते हैं उसके सीमेंट के, वो भर यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ एक बार फिर हम दिखा रहे हैं कितना बड़ा गड्ढा, कितनी बड़ी नाली, इसमें जो भी खराबियां खामियां हैं, उन सारी खराबियां खामियों का जो भी भुगतान किया गया हो, वो यहाँ तकनीकी अधीक्षण करने वाले लोगों से उसे वसूला जाना चाहिए। इसकी टीन उड़ी हुई है, अभी भी टीन का पता पता नहीं, सिवनी वो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से घूमकर मंडला ट्रेन जाती है, नैनपुर मंडला, नैनपुर से जबलपुर, बालाघाट और सीधे मंडला। ये स्थितियाँ आज की डेट में, मतलब ये कहा जाए जुलाई के दूसरे पखवाड़े की ये स्थिति है, जो ये देखिए शराब की बोतल पड़ी हुई है, ये डिस्पोजेबल ग्लास पड़ा हुआ है। क्या चल रहा है सिवनी में? क्या इतना 1100 करोड़ रुपए इस आहाता के लिए खर्च किया गया है कि लोग आए और यहाँ बैठकर शराब पिए? ये बनाया गया है रेलवे स्टेशन ताकि यहाँ पर रेलगाड़ी चल सके और गरीब गुरबे उसमें कम पैसे में यात्रा कर सकें। अभी यहां से वहां तक आप देख सकते हैं, कहीं भी एक भी बिजली का खंभा नहीं दिख रहा है, और 11 जुलाई को भौमा से नैनपुर, जो मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है, वहां पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल भी हो गया। यहां 11 मार्च और 12 मार्च को सीआरएस हुआ है ट्रैक का, अप्रैल मई जून जुलाई 4 माह बीत गए, पर अभी तक यहाँ ट्रेन चलने की कोई संकेत तक नहीं मिल रहे हैं। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि प्रस्ताव जीएम बिलासपुर के जरिए रेलवे बोर्ड को जा चुका है, और रेलवे बोर्ड के द्वारा इसे जो ईडीटीटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइम टेबल के पास इसे भेजा गया है। ईडीटीटी के द्वारा अगर टाइम टेबल जारी कर दिया जाता है तो यहाँ इस ट्रैक पर गाड़ी चल जाएगी, पर उनका भी यही कहना है क्षेत्रीय सांसद दिलचस्पी अगर लें
तो 4 दिन के अंदर इस ट्रैक पर गाड़ी चल सकती है, बशर्ते क्षेत्रीय सांसद इस ट्रैक पर से गाड़ी निकालने के लिए, चलाने के लिए दिलचस्पी दिखाएं। लिमटी की लालटेन के 300वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में अगर आपको लिमटी की लालटेन देखना है तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोज़, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे लिमटी की लालटेन का 301वां एपिसोड लेकर। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, जय हिंद।